हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन बी और उसका चैप्टर फर्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल। और इस चैप्टर से रिलेटेड दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम प्रियम्बल की बात करेंगे। क्लियर? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था 26 नवंबर 1949 को, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, यानी उसमें एक प्रियम्बल दी गई है। प्रियम्बल का मतलब है प्रस्तावना। तो ये जो प्रियम्बल है वो हम ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, वो हमारे जो संविधान है उसके ऑब्जेक्टिव, उसके गोल को डिस्क्राइब करती है, डिफाइंड करती है। यदि हमें हमारे संविधान के बारे में जानना है तो जो प्रस्तावना है वो इसको अच्छे से क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को एक्सप्लेन करती है। तो ये हमारी प्रियम्बल है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो संविधान है वो एक प्रियम्बल से स्टार्ट होता है और प्रियम्बल को कहते हैं प्रस्तावना। तो प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ये जो वर्ड है ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि हमारे जो कंट्री की जो सॉवरेन पावर है वो किसके पास है, वो है पीपल ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, यानी सुप्रीम पावर किसे दी गई है, टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो किसके थ्रू बनाया गया है, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों ने बनाया है। किसके लिए बनाया है, भारत के लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, और इसमें जो भी विल रिप्रेजेंट होती है वो किसकी विल है, वो है विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें हैं, ये वर्ड है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है कि सुप्रीम पावर भारत के लोगों के पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है और इसमें भारत के लोगों की जो विल है, जो इच्छाएं हैं, वो इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, यानी कसम खाते हैं हम भारत के लोग, ये कसम खाते हैं कि हम भारत को एक कैसा देश बनाएंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये वर्ड है, इन वर्ड को हम समझेंगे इस वीडियो के इस पार्ट में। ठीक है, इसके बाद से एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस, सभी सिटीजंस को क्या प्रोवाइड की जाएगी, जस्टिस, यानी न्याय। तो न्याय किस तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ये जस्टिस वाला जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्शन ए का, उसमें हम ये थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात कर चुके हैं, यहाँ पे फिर से एक बार इसको डिफाइन करेंगे। देन लिबर्टी, यानी सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड की जाएगी, लिबर्टी, फ्रीडम। फ्रीडम किसकी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्लियर? उसके बाद इक्वालिटी होगी सोसाइटी में, किस चीज़ की इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी ईच एंड एवरी सिटीजन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा उन सबको आगे से आगे प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए उन्हें इंस्पायर किया जाएगा। फ्रेटर्निटी, यानी आपस में जो भी है इंडियन सिटीजन, उनमें ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको अश्योर किया जाएगा। इसके साथ इंडिविजुअल की डिग्निटी और नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है, यानी ये जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल को डिफाइन करती है कि हम अपने संविधान में क्या कौन सी बातें हैं वो डिफाइन करना चाहते हैं, ताकि हमारा देश है वो कैसा बने, सॉवरेन बने, सोशलिस्ट बने, सेकुलर बने, डेमोक्रेटिक बने और रिपब्लिक बने। और इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड हो, लिबर्टी प्रोवाइड हो, इक्वालिटी प्रोवाइड हो, फ्रेटर्निटी हो और हमारे देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है, ये भी लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में कि किसने बनाया, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा, यानी भारत के लोगों ने जिन मेंबर्स को इलेक्ट किया है, जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, उन रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने इसे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है और अपने आप को क्या किया है, अपने आप को समर्पित किया है। ठीक है, अपने आप को मतलब टू द पीपल ऑफ इंडिया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर? तो ये हमारे प्रियम्बल है। तो देखते हैं हम,
तो इस तरह से जैसे कि के एम मुंशी ने हमारी जो प्रियम्बल है उसको क्या कहा है, उसको कहा है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। यानी जिस तरह से किसी एक पर्सन की हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली को देख के उसका पूरा जो लाइफ इंसिडेंट है उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि पूरे जीवन भर इसका जो लाइफ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन से इंसिडेंट है वो होंगे, उसी तरह से जो प्रियम्बल है उसको देख के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हॉरोस्कोप है, जो उसका भविष्य है कि उसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड की गई हैं, उसको डिफाइंड किया जा सकता है। क्लियर? तो के एम मुंशी एक पॉलिटिकल थिंकर थे और उन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसे का क्या कहा है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। और स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को ये प्रियम्बल अच्छे से याद हो ताकि ईच एंड एवरी वर्ड के जो मीनिंग है उसको आप डिस्क्राइब कर सकें। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो प्रियम्बल है वो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है और इसकी जो लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है, अडॉप्ट की गई है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है और इसकी जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के। क्लियर? नाउ वी डिफाइन। तो हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्टिंग में प्रियम्बल से स्टार्ट होता है और इस प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये क्यों मेंशन किया गया है, ताकि जब भी हम अपनी लॉज या किसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो आइडियाज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव हों, उनको ध्यान में रखें और तब हमारे जो भी हम रूल्स या जो भी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रियम्बल के जो करेक्टरिस्टिक हैं, जो वर्ड है उनको डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारी जो प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है, ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, ये जो वर्ड है जो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है जिससे हमारी प्रियम्बल स्टार्ट होती है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके मीनिंग को हम तीन जो है वो चीज़ों में डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरनिटी की, यानी संप्रभुता। तो संप्रभुता कहाँ लाइज करती है, इट लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बेस्ट नहीं है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो कहाँ एग्जिस्ट करती है, द सॉवरनिटी एग्जिस्ट विद इन द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों के पास है, भारत के लोगों को लोग फ्री हैं अपने देश से, अपनी कंट्री से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए, किसी भी आउटर कंट्रीज़ का हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हम बात करें कि 1946 जनवरी, इसका मतलब ये है कि जो इंडियंस हैं यानी हम लोग हैं वो फ्री हैं अपनी कंट्री से रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो इंडिया है वो सॉवरेन कंट्री नहीं था, वो डोमिनियन स्टेट था ऑफ द ब्रिटिश, यानी जो हमारा जो भी रूल था, जो गवर्नमेंट थी वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो शासन है वो किया जा रहा था। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एज ए पार्लियामेंट भी उस समय क्या कर रही थी, फंक्शनिंग कर रही थी, यानी हमारी खुद की अपनी कोई पार्लियामेंट अलग से नहीं थी। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। इसलिए उस समय यानी 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया क्या था, डोमिनियन स्टेट्स था। और जब 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, इनैक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद से इंडिया कौन सी कंट्री हो गई, रिपब्लिक कंट्री हो गई। और इस तरह से हमने जो सॉवरेन पावर है वो किसको दे दी, अब द पीपल ऑफ इंडिया हमारे पास आ गई, यानी हम इंडिपेंडेंट हो गए बाय द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश रूल। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, जो ब्रिटिशर्स की प्रीवी काउंसिल थी, प्रीवी काउंसिल हमारे लिए एज ए सुप्रीम कोर्ट काम करती थी। इस तरह से हम उस समय इंडिपेंडेंट नहीं थे। पर आफ्टर द 26 जनवरी 1950 की बात करें तो उसके बाद इंडिया कैसा ही कंट्री में कन्वर्ट हो गया, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में, सॉवरेन कंट्री में। क्लियर? सेकेंड थिंग जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा बनाया गया है, यानी जो इंडियंस हैं उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है उन रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, जो हमारी संविधान सभा बनी है, उन्होंने इस संविधान को तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा ही तैयार किया गया है। क्लियर? थर्ड थिंग यानी इसमें जो विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया है, जो भारत के लोगों की इच्छाएं हैं उनको लिखा गया है।
नेक्स्ट जो हमारा है कि प्रियम्बल में हमारे जो इंडिया है उसके नेचर को डिफाइन किया गया है कि हमारा इंडिया का जो नेशन है, जो इंडिया नेशन है, देश है, वो कैसा होगा। सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा एंड रिपब्लिक होगा। ठीक है, तो ईच एंड एवरी वर्ड को हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। ठीक है, तो ये जो वर्ड है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हमारे प्रियम्बल के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पिलर हैं जो कि प्रियम्बल में डिफाइन किए गए हैं। तो सॉवरेन का मीनिंग देखते हैं। सॉवरेन का मीनिंग क्या है कि इंडिया जो है एक सॉवरेन स्टेट होगा। सॉवरेन यानी इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इट मीन्स इट इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू एनी फॉरेन पावर्स, यानी किसी भी जो फॉरेन पावर है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसके हम सबॉर्डिनेट नहीं है, यानी उसके अंडर कंट्रोल में नहीं है। रिगार्डिंग इट्स इंटरनल एंड फॉरेन अफेयर्स, यानी जो भी हमारे इंटरनल या फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए हम क्या है, फ्री हैं। हम किसी भी अंडर जो अदर कंट्रीज़ हैं उसके अंडर कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम पावर या जो सॉवरनिटी है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। नेक्स्ट देते हैं सोशलिस्ट। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सोशलिस्ट वर्ड है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और इसको इस जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे इंडिया में मिक्स इकोनॉमी के जो व्यूज़ हैं, जो उसको आइडियाज़ को अडॉप्ट किया गया है। और इसके इसका जो मेन जो गोल है वो क्या है कि जितने भी हमारे वीकर सेक्शन या बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिमूव करना, और उसके साथ साथ ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है उसको क्या करना, रेज करना। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसको अडॉप्ट किया गया है, यानी जो भी हम इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिमूव करेंगे उसके लिए जो मींस अडॉप्ट किए जाएंगे वो मींस कैसे होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे। द नेक्स्ट इज सेकुलर। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन वर्ड इंक्लूड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड इंक्लूड किए गए थे बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। क्लियर। और सेकुलर का मीनिंग क्या है, सेकुलर का मीनिंग ये है कि हमारा जो इंडिया है उसमें किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता है और ना ही किसी रिलीजन को ये प्रमोट करेगा। इस तरह से हमारी कंट्री का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और रिलीजन के बेसिस पे किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के बारे में जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कैसा होगा, उसकी पोस्ट हेरिडेटरी नहीं होगी, ही विल बी इलेक्टेड। क्लियर। तो जैसे कि हम बात करें कि हमारे यहाँ इंडिया में जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है जो कि हेड ऑफ स्टेट होता है वो हेरिडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया उसको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एज ए 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी को हम ईच एंड एवरी ईयर एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, यानी जो भी हमारी सॉवरेन पावर है जो कि पीपल ऑफ इंडिया के पास है। तो हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि ईच एंड एवरी पर्सन है इस सॉवरेन पावर को यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए जो लोग हैं जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे उन पीपल्स के थ्रू ये जो सॉवरेन पावर है उसको यूज़ किया जाएगा, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है दैट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर। और ये जो गवर्नमेंट होगी ये रिस्पॉन्सिबल होगी, अकाउंटेबल होगी टुवर्ड द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर। यानी जो शासन होगा वो किसका होगा, बाय ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो नेक्स्ट थिंग क्या है कि हम इंडियन सिटीजन को जस्टिस यानी न्याय प्रोवाइड करना चाहते हैं, और थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्लियर। यानी हमारे प्रियम्बल में ये गोल्स से डिफाइन किए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो फंक्शन है, मेन जो एलिमेंट है, वो आइडियल्स है, वो क्या है कि इंडियन पीपल को जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो सबसे पहले सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि सोशल जस्टिस का मीनिंग क्या है कि सोसाइटी में जितने भी बैकवर्ड या अदर सेक्शन हैं, ठीक है, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाना चाहिए, और उनको क्या प्रोवाइड की जाए, इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए। यानी सोसाइटी में इक्वालिटी का जो व्यूज़ है, जो आइडियाज़ है, जो थॉट्स हैं, उसको इस्टेब्लिश करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यह है कि जो भी वीकर सेक्शन या बैकवर्ड सेक्शन है उनको इस तरह से अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड किया जाए, इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको रेज कर सकें और इसके साथ ही अपनी जो लाइवलीहुड है उसको ईजिली अर्न कर सकें। क्लियर।
फिर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल जस्टिस का मीनिंग क्या है कि ईच एंड एवरी जो पर्सन है ऑफ द सोसाइटी उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि वो उस कंट्री के जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स या मैटर्स हैं उनमें इजीली पार्टिसिपेट कर सके। नाउ फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम है, ये जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, वो ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है। इसके अलावा इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी किसकी होनी चाहिए? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी ईच एंड एवरी पर्सन का सोसाइटी में एक स्टेटस हो, इस तरह से जो है एनवायरनमेंट जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्रिएट करेगी। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है। यानी ईच एंड एवरी जो सिटीजन्स है उसको सोसाइटी में क्या प्रोवाइड की जाए? इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल वेजेज। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है वो इस तरह से है कि हमारी जो कंट्री है उसकी इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन रखा जाए, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि हम इंडियंस के अंदर फीलिंग ऑफ क्या हो, फ्रेटर्निटी हो, यानी ब्रदरहुड की भावना हो, आपस में हम एक दूसरे को क्या करें, कॉपरेट करें। द नेक्स्ट टर्म इज सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात से अवेयर थे कि हमारे इंडिया में क्या है, डाइवर्स एलिमेंट है। डाइवर्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है, रिलीजन है, कम्युनिज्म है, प्रोविंसेस हैं। ठीक है, तो उनके बीच में यूनिटी को एम्ब्रेस करना ये उनका क्या था, मेन एम था। तो इस बिहा पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने दो आइडियल्स को क्या किया है, इंक्लूड किया है। सबसे पहले यूनिटी ऑफ इंडिया यानी इंडिया की यूनिटी को मेंटेन करना, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल यानी ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, रेस या सेक्स या जेंडर को बिलोंग करता हो, उसका क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। द नेक्स्ट टर्म इज इंटीग्रिटी। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हम इंडिया है वो कैसा है, वो डाइवर्सिटीज है रिगार्डिंग द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन, तो इसलिए इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ये हमारा मेन एम है। ठीक है, तो और ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी, जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाय द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इसे क्या किया गया है, हमारे प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया है। इस तरह से बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में तीन वर्ड इंक्लूड किए गए हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं कि हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें अब तक सिर्फ एक बार जो है अमेंडमेंट किया गया है, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन वर्ड इंक्लूड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। क्लियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो प्रीएम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी कंट्री के जो आइडियल्स हैं ठीक है, उनको क्या करती है, उनको डिफाइन और डिस्क्राइब करती है। तो इस तरह से यदि हमें अपने भारतीय संविधान को अच्छी तरह से समझना है तो प्रीएम्बल के थ्रू भी हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, और इस पार्ट में हमारी जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट तो कर सकती है लेकिन इसका जो बेसिक नेचर है उसको चेंज नहीं कर सकती है। क्लियर। ये डिसीजन दिया गया था बाय द केशवानंद भारती डिस्प्यूट्स 1973 में, कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पार्ट है, और जो हमारी पार्लियामेंट है वो इसके किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन इसका जो बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ये था हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, और भगवान कृष्ण है वो आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी करें। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।